पप्पू यादव ने 12 करोड़ रुपया लाया कहाँ से लूटे तो सब हैं अच्छा अभी लूटे हैं यदि मैं लूटा होगा तो बांट दिया होगा अच्छा नमस्कार मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज मेरे साथ हैं पप्पू यादव जाप सुप्रीमो और पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोरोना काल में बारह करोड़ रुपए लोगों के बीच बांट दिए बड़ा सवाल पप्पू यादव के पास ये बारह करोड़ रुपए आए कहाँ से जब मैं इनका इनकम टैक्स रिटर्न देखता हूं जब मैं इनका एसेट्स देखता हूं तो बारह करोड़ रुपए दिखाई पड़ते नहीं है तो आखिर पप्पू यादव ने बारह करोड़ रुपया लाया कहाँ से सीधे मुखातिब होते हैं पप्पू यादव से पप्पू जी कहां से लाए बारह करोड़ अब दस लाख अठहत्तर हजार यदि हम किट्स बांटे एक किट्स का दाम बारह सौ चौदह सौ रुपया तो आचार्य रविशंकर जी ने हमको लगभग मुझे लगता है कि डेढ़ दो लाख किट भेजे इसी तरीके से राजस्थान के हमारे दोस्तों ने डेढ़ दे दो लाख किट भेजे दो करोड़ बेरासी लाख तेरासी लाख रुपया यदि मैंने ट्रेन को हमारे दोस्तों ने डीआरएम को जमा किया कोटा में इसी इसी तरीके से यदि हम हमारे राजेश पप्पू जी महासचिव हैं अनलोक महासचिव हैं उनके अकाउंट में हमारे दोस्तों ने कोई एक करोड़ कोई कुछ कोई कुछ कोई दस लाख नकदी बांध दिया सर नकदी की तो कल्पना नहीं करिए मुझे लगता है कि यदि मैं दो लाख ढाई लाख तीन लाख लोगों तक पचपन सौ रुपया बांटा तो उसको आप जोड़ लीजिए कितना बांटा मेरे जितने देश भर के लगभग मीट सेल्टर हाउस के लोग हैं या हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो किसी ने हमारी हमारे बहने ही हैं उसी ने चालीस लाख रुपया हमको मदद आपके बहनों ने आपको चालीस लाख रूपया दिए बांटने के लिए तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ एक बहुने तो ये मेरी जितनी बहन है सबने कोई लाख कोई कुछ कोई कुछ हमारे अपने बहने 40 लाख रुपया दी अच्छा हमारे सारू जी जितने हैं लगभग कोई दो लाख कोई पांच लाख चार लाख रुपया दिए पप्पू यार और, और हमने अपने अप, अपनी अभी आप पुर्निया में चले जाइए सात एकड़ जमीन हमने एयरपोर्ट के बगल की भेज दी चलिए जमीन तो आप चार करोड़ रुपया में अभी अभी जम, जमीन, तो आप बेचते रहते हैं चलिए हम हम सीधा ये जानना चाहते हैं पप्पू यादव तो सर वो तो कागज पर है ना पप्पू यादव जब सुबह निकलते हैं तो जेब में कितना पैसा होता है जेब में सुबह दस लाख रुपया होता है जब वापस आते हैं तो जेब में कितना पैसा रहता है आप हमको एक बात बताइए यदि सात बस हमने भेजा जी और यदि हम यहाँ आकर के हर घर को बस भेजे कोरोना वायरस में एक एक जगह यदि मैंने लोगों की मदद की जी तो यदि आप उसको अकाउंट के द्वारा अकाउंट के द्वारा जो हम ट्रांसफर किए वो लगभग ढाई करोड़ तीन करोड़ है सुबह जब आप लोगों से मिलने निकल रहे हैं तो आपकी जेब में कितना रुपया होता है शाम में जब वापस आते हैं तो कितना होता है यदि मैं दोस्तों से अभी मैं आप बोलू हूँ यहाँ हमारे दो तीन चार दोस्त है एक हिलसा के हमारे भाई हैं जब हम यहाँ बाढ़ में लड़ रहे थे तो आगे दो लाख रुपया हमको दे दिए मुझे पता नहीं यहाँ के ने उन्होंने ये आगे बोले कि हमने कहा आप कौन कौन बोला मैं तो दानवीर हूँ मैंने कहा कौन दान भी तो मुझको मैंने कहा क्यों मिल रहे हैं तो हम आपको दो लाख रुपया देना चाहते हैं तो इन्होंने हमको दो लाख रुपया दे दिया आपकी तरह दूसरे नेता ने क्यों नहीं बांधते सर लूटे तो सब हैं अच्छा आप भी लुटे हैं यदि मैं लूटा होगा तो बांट दिया होगा अच्छा ठीक है यदि हमको कोई दिया होगा तो बोलेगा ना पप्पू यादव को पैसा दिए और हम सत्ता में हम रहे ही नहीं तो मेरा एक बात समझिए ना कि सुबह यदि कोई दोस्त हमको पचास हजार लाख दो लाख दे दिया या रात में हमने किसी से व्यवस्था कर ली तो आप इतने समझिए कि कल शाम तक पप्पू यादव के जेब में एक कल हम गए क्या कहते हैं खगड़िया खगड़िया में यदि हम दस दस हजार रुपया भारत चौदह डूबे हुए को दिए तो मेरा पैसा तो नदी में गायब हो गया तब हमने मनोहर जी से कहा भैया हमको तो कुछ दो अच्छा चलिए तो पांच हजार रुपया हमको मिला आने के लिए चलिए पप्पू यादव का पैसा नदी में भी गायब हो जाता है तो आपने सुन लिया कि पप्पू यादव ने बारह करोड़ रुपए कहां से लाए आप देखते रहिए लाइव सीरीज को यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए धन्यवाद पप्पू यादव ने बारह करोड़ रुपया लाया कहा से लूटे तो सब है अच्छा अभी भी लूटे है यदि मैं लूटा हूँ तो बांट दिया हूँ अच्छा